मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सेक्टर 8 स्थित अटल पार्क में पहुंचकर करीब 14 करोड़ 87 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 1,98,80,000 रुपए की लागत से कुंजपुरा के नव निर्मित BDPO कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। 56 लाख रुपए की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 14 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। 7,09,28,000 रुपए की लागत से करनाल कैथल रोड पर पश्चिमी यमुना नहर के पुल के निर्माण कार्य, ढाचर से इच्छनपुर तक 3,13,00,000 रुपए की लागत से सड़क के सुदृढ़ीकरण के कार्य, 44 लाख रुपए की लागत से रामनगर क्षेत्र में निर्मित अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। इंद्री रोड से करण लेक उचाना तक 55,39,000 रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। सेक्टर 7, 8 और 9 की सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रस्तुत मांगों का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्क में स्थित झील को गहरा कर इसमें बच्चे के लिए सुरक्षित वोटिंग की व्यवस्था, लाइटें, वाचनालय और पुस्तकालय की व्यवस्था भी होगी। यह सभी कार्य नगर निगम की ओर से कराए जाएंगे। हुड्डा के प्रशासक महावीर कौशिक ने मुख्यमंत्री और सांसद संजय भाटिया को अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा भेंट की। इसी प्रकार पार्क में अटल जी की प्रतिमा का निर्माण करने वाले शिल्पकार नरेश कुमार और VP वर्मा ने भी मुख्यमंत्री को अटल जी की प्रतिमा का एक प्रतिरूप भेंट किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर प्रीतम की लिखी अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया ने संबोधित करते हुए कहा कि नेक विचारों के धनी अटल बिहारी वाजपेयी को समूचा विश्व सम्मान की दृष्टि से देखता था। उन्होंने कहा कि करनाल में स्थित विशाल अटल पार्क में प्रतिदिन हजारों लोग विचरण करने के लिए आते हैं, जो अटल जी की प्रतिमा से प्रभावित होकर उनके आदर्शों को याद करेंगे। CM ने सेक्टर 12 में पर्यावरण संरक्षण को लेकर करीब 40 स्कूलों के बच्चों के साइक्लोथीन को हरी झंडी दिखाई। साइक्लोथोन सेक्टर 12 से शुरू होकर नूर महल होटल, सेक्टर 14 हरियाणा नर्सिंग होम से आगे होकर वापस सेक्टर 12 में समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए साइक्लोथोन से एक अच्छा संदेश है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार देर शाम शहर के प्रेम नगर स्थित तथा नगर निगम की ओर से बनाए गए आधुनिक सुविधाओं से युक्त रैन बसेरा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह तथा नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव भी उपस्थित रहे। बता दें कि रैन बसेरा के भवन पर 1,12,00,000 रुपए की राशि खर्च हुई है तथा यह दिव्य मंजिला है। इसमें एक समय में 85 व्यक्ति रात्रि गुजार सकते हैं। इसके बाद CM मनोहर लाल करनाल में नई सब्जी मंडी पहुंचे, जहां न्यू पंचायत नई अनाज मंडी के बैनर तले आरती ने ज्ञापन दिया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री के मार्केट बोर्ड के अफसरों को आरतियों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई विनोद गोयल तथा प्रधान बेअंत सिंह बब्बू ने की। ज्ञापन में किसानों ने लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। इसके अलावा आरतियों ने मंडी में 1,000 गज का प्लाट मुख्यमंत्री के कोटे से फ्री रेट पर देने और करनाल अनाज मंडी में 495 से 553 तक भरे बासमती पानी की निकासी की व्यवस्था करने की मांग शामिल की है। यहां उल्लेखनीय है कि किसानों का DSP और लगभग 150 करोड़ रुपया बकाया है। आरतियों का कहना था कि पानी की निकासी के लिए जो पाइप लगाए गए थे वह छोटे थे, उन्हें और अधिक चौड़ा किया जाए। किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो जी ग्रुप का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार का एक वातावरण को स्वच्छ करने की दृष्टि से कार्यक्रम चलाने के नाते जो संदेश देने का काम कर रहे हैं, इनका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार जो छात्र छात्राएं आज साइक्लोथॉन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, मैं इनको भी शुभकामना देता हूं कि इस प्रकार के अच्छे संदेश समाज में देने से हमारी अपनी सोच का लोगों को पता लगता है और लोगों के लिए प्रेरणा का भी एक विषय है कि इस ओर आगे बढ़ने हैं। क्योंकि हमने चारों तरफ देखते हैं, जहां लोग एक ओर विकास की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उसमें सड़कें हैं, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं,
बड़े बड़े दिखने वाले भवन, इसके विकास की, इसके निर्माण की बात करेंगे। वही समाज में कुछ ऐसी चेतना जागृत करने की भी बात जरूरी है जिसके अंदर समाज की दिशा बदले। आज व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक स्वच्छ वातावरण की भी आवश्यकता है। यदि स्वच्छ वातावरण की ओर में ध्यान न दिया तो वायु प्रदूषित होगी, पानी प्रदूषित होगा, और जिस प्रकार का पिछले कई वर्षों से वातावरण देख रहे हैं, इस वायु में जिस प्रकार के प्रदूषण के कण ये फैलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, हम दिल्ली की और इसके आसपास किस प्रकार का वातावरण देख रहे हैं, एनसीआर में हमारा करनाल भी उस एनसीआर में ही आता है कि चाहे वो ट्रैफिक का प्रदूषण है, धुएं का प्रदूषण है, या इंडस्ट्री का प्रदूषण है, या फिर निर्माण की गतिविधियां उसका प्रदूषण है, गंदगी का प्रदूषण है, इन सब चीजों से हमको अगर ठीक करना है वातावरण को तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमको कई आयाम खड़े करने होंगे। बहुत ही एक प्रसन्नता की बात है कि डैश एंड डैश कंपनी माध्यम से ये जो कार्यक्रम का जी ग्रुप की देखरेख में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सेव अर्थ साइक्लोथॉन, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लोगों को जन जागरण के नाते से मैं शुभकामना देता हूं कंपनी को भी और इन सब बच्चों को भी, और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा जो पर्यावरण बचाने का मुहिम है। और सर, करनाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी अनावरण कर रहे हैं और विकास कार्यों का भी उद्घाटन करने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, अभी मेरा अगला कार्यक्रम वहीं पर है और बहुत ही एक करनाल शहर के लिए एक अच्छा प्रसन्नता का विषय है कि आज अटल पार्क में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद मूर्ति, उसका जो निर्माण करके लगाया गया, उसका आज अनावरण होगा। और इस अवसर पर निश्चित रूप से करनाल के लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी अटल जी के जीवन से। अटल जी की जीवनी एक ऐसा एक विषय है जिसको हर व्यक्ति को प्रेरणा देगी। सर, जेजेपी के विधायकों में फूट देखी जा रही है। राम कुमार गौतम लगातार जो है दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगा रहे हैं कि 11 मंत्रालय उन्होंने अपने पास ही रख लिए और विधायकों को कुछ नहीं दिया। देखिए, ये विषय इस पर मैं टिप्पणी ना करूं तो अच्छा है। हमारी सहयोगी पार्टी है और उस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। अब जो आंतरिक मामले होते हैं वो बैठ करके मुझे लगता है निपटा लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।